क्यों मिल गए मुझे जन्नत के दरवाजे पर अफसाने में, वो मिल गए मुझे जन्नत के दरवाजे पर अफसाने में, मैं था बदनसीब मौत की वजह बैठ पूछा डराने में, जुल्फे सवारी मुस्कुराए फिर कहे क्या आप भी सुमार थे मेरे दीवाने में, और एक तेरे खातिर मैं दुनिया से लड़ झगड़ सकता था, यार तूने बहुत देर लगा दी आवाज लगाने में, और खतों में दफन थी आहटे उसकी यकीनन, एक उम्र गुजर गई खतों से धूल हटाने में, और इश्क मेरा उस मुकाम पर था जहां हीर रांझा न पहुंचे, इश्क मेरा उस मुकाम पर था जहां हीर रांझा न पहुंचे, या इश्क मेरा उस मुकाम पर था जहां हीर रांझा ना पहुंचे, पर कोई कसर ना छोड़ी मेरे अपनों ने उंगलियां उठाने में, कोई कसर ना छोड़ी मेरे अपनों ने उंगलियां उठाने में। और ये शेर बहुत ही छोटा सा है, दो लाइन है, मगर जो मौजूदा हालात चल रहे हैं हमारे देश में कि भैया किसी को सूझ नहीं पड़ रही क्या चल रहा है, एनआरसी क्या चल रहा है, ये हमारे को भी सूझ नहीं पड़ रही है, पर उस पर बहुत क्लियर है कि जो दौर है उस दौर की जुबानी कहना, जो दौर है उस दौर की जुबानी कहना, सियासत रोटी सेक रही है यार, तुम बस हिंदुस्तानी रहना। और एक और कोशिश की है, कुछ खास नहीं हूँ मैं, कि मेरी याद जब आए तो चरागों को बुझा देना, तस्वीर को सामने मत रखना फकत कलेजे से लगा लेना, और घर मौत जो आए तेरी दहलीज पर पता उसको मेरा बता देना, और मेरे हालात पर तंज गर करे कोई, दीवाना है दीवाना बस इतना बता देना। एक और है कुछ, कि जब से ओढ़ी है खुददारी की चादर, जो मिलती है रुकी सुखी खाकर सो जाता हूँ, और दो मोल मोहब्बत के जो हमसे बोल ले बस उसका हो जाता हूँ। और ये जो है कुछ अपनी हॉस्टल वाली है, हमारे दोस्त है, वो साथ भी आए, हमारे बेटे हैं, बिल्कुल उन्हीं पर हैं, बुरा मत मानना भाई। औलाद है मेरी पर बाप होने का फर्ज निभाता है, औलाद है मेरी पर बाप होने का फर्ज निभाता है, माँ देती है मेरे लिए घर से मिठाइयाँ, छोटा भाई हूँ खाकर सारी खा जाता है, और अब नहीं पियेंगे का वादा देकर रोज पुड़िया ले आता है, और भंड होने के बाद वही तो रूम तक लेके जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया।